फौजी क्यादत और इदारों पर इल्जाम, इमरान खान और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला। हुकूमत ने केसेस के इंदराज के लिए कानूनी माहरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इमरान खान की शौकत खानम हॉस्पिटल में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को दरखास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और साथियों ने मनसूबाबंदी के तहत नफरत अंगेजी फैलाई। दरखास्त का मतलब मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज फिर लंदन में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की एक और मुलाकात शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में अहम फैसलों का इम्कान। गवर्नर राज पर सोचा जा सकता है, ये आईनी इकदाम जरूर मगर आखिरी ऑप्शन है। चंद लोग जाकर शाहराहों को बंद कर देते हैं, इंतजार की सियासत काबिले कबूल नहीं। हालात बेहतर करने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम करेंगे। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के हकीकी आजादी मार्च का आज वजीराबाद से दोबारा आगाज। इमरान खान का वर्चुअल खिताब 4:30 बजे शेड्यूल। पाकिस्तान बनने के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक है, तमाम लोग बाहर निकले। चेयरमैन पीटीआई की कारकुनों से भरपूर शिरकत की अपील। इमरान खान रावलपिंडी में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मुल्की इस्तेहकाम के लिए फौरी आम इंतखाबात नागुजीर हैं। मुल्क में जमहूरियत इलेक्शन से ही आनी है। हुक्मरानों की मनमानियां जारी, उन पर कोई कानून लागू नहीं हो रहा। हकीकी आजादी मार्च में मुल्क भर से काफिले शामिल होंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान रास्ते बंद करके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? जुबानें बंद करने वाला आज सड़कें बंद कर रहा है। इमरान न्याजी का वाहिद मकसद मुल्क में इंतशार फसाद, जलाओ घेराओ और फितना फैलाना है। फसाईस शख्स ने सिलाब जदगान की इमदाद पर भी सियासत की। मरियम औरंगजेब। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। रूट पर 15,000 अहलकार अलर्ट। रास्ते में इमारतों की छतों पर पुलिस कमांडोज और स्नाइपर तैनात। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, कंट्रोल रूम से मुकम्मल मॉनिटरिंग। इमरान खान के दोनों साहिबजादों की लाहौर आमद। कासिम और सुलेमान की वालिद से मुलाकात। गले लगकर मिले, खैरियत दरियाफ्त की। आप पर हमले ने परेशान कर दिया था, कासिम और सुलेमान की गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च का तारीखी फैसला कुन पड़ाओ रावलपिंडी में होगा। इस्लामाबाद सिर्फ 13 जमातों का नहीं, हमारा भी है। शहबाज शरीफ जाते शर्मुल शेख हैं, निकलते लंदन से हैं। एक तायुनाती सब पर भारी है, फैसला मेरिट पर होगा। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है, शेख रशीद। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सेनेट की रुकनियत छोड़ दी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेटर फारूक के चुनाइक की हिदायत पर ओहदा छोड़ रहा हूँ, इस्तीफे का मतन। मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2018 में पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, भारत की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। एडिलेड में क्रिकेट शायकीन का जोशो खरोश। उरूज पर दोनों टीमें जीत के लिए पूरा सुन। और अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन नतीजे का सिलसिला जारी। रिपब्लिकन के सेनेटर्स की तादाद 49 हो गई, डेमोक्रेट्स की 48 नशिस्तें। इबानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की 209 और डेमोक्रेट्स की 191 सीटें। 50 में से रिपब्लिकन के 24 सरकार गवर्नर मुंतखब, डेमोक्रेट्स की 22 सीटें।